अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल मिठाई काजू कतली, जिसे बनाने के लिए मैंने काजू ले लिए हैं। ये 2 कप काजू लिए हैं मैंने इस येलो वाले कप से। इनको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि इसको पीसना थोड़ा इजी हो जाए। इसको हम पीसने वाले हैं। और इसी कप से, जो येलो वाला कप है, इससे 2 कप काजू लिया है, 1 कप शक्कर और 1/2 कप मैंने पानी लिया है। मेजरमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मेजरमेंट गलत हुआ तो काजू कतली आपकी बिगड़ सकती है। और 2 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। ये देसी घी है, आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काजुओं को जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, यानी पीस लेंगे। तो पहले मैं आधे डाल देती हूँ काजू इसमें। 2 कप काजू यानी 250 ग्राम काजू है ये। इसको हमें थोड़ा रुक रुक कर पीसना है, कंटिन्यू नहीं पीसेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा मोटा मोटा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा रुकेंगे पीस के, फिर बंद कर देंगे मिक्सर को, फिर ऑन करना है मिक्सर को, फिर बंद कर देना है। इस तरीके से हमें फाइन पाउडर बनाकर रेडी करना है। अगर आप कंटिन्यू उसको पीसोगे तो काजू में तेल होता है जो छूटने लगेगा और वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, फिर उससे आप मिठाई नहीं बना सकते। तो ये देखिए, फाइन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। रुक रुक के आपको इसको ग्राइंड करना है थोड़ा थोड़ा सा। अब जो बाकी के काजू है उनको भी हम पीस लेते हैं। तो सारे काजुओं को मैंने पीस लिया है। अब हमें इसको छान लेना है ताकि इसमें जो भी बड़े मतलब जो छोटे छोटे से टुकड़े होंगे काजू के, वो निकल जाए, क्योंकि हमें फाइन पाउडर चाहिए इसका। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना ज़रूरी है। उसे दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो आपको दिख पाएगी। तो देखिए, ये जो मोटे मोटे काजू थे इसके अंदर, वो निकाल चुकी हूँ मैंने। और इसको पूरा मैंने अच्छे से फाइन पाउडर ली हूँ। और जो काजू बचे हैं उसको आप फिर से पीस कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें शक्कर डाल देंगे 1 कप और 1/2 कप पानी डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हमें शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, बस शक्कर मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी चिपचिपी लगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा सा चिपचिपापन इसमें आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और जो काजू का पाउडर था वो सारा इसमें ऐड कर देना है। फ्लेम को लो ही रखना है और इसको मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। लो फ्लेम पर ही मिक्स करना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। और कंटिन्यू मिक्स करना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता, थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक इसको मिक्स करते रहिए। अब इसमें हम घी ऐड कर देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करेंगे। ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है। और घी को भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इतना थिक हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। अब बटर पेपर पे मैंने घी लगा लिया है और दूसरा वाला भी इसी पर रख दिया है ताकि इस पर भी घी लग जाए। तो अब इसी बटर पेपर पर हम काजू को निकाल लेंगे हमारे। और इसको इस तरीके से मिक्स करते जाना है। इसको अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो इस पर जो है पपड़ी जमना शुरू हो जाती है। वो जमने नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो हाथों से नहीं मिक्स कर सकते। इसलिए इस तरीके से बटर पेपर से इसको मिक्स करते जाए। थोड़े थोड़े टाइम में इसको इस तरीके से हमें नीट करते जाना है। इसको पूरा हमें आटे की शक्ल में लेके आना है, डो की तरह इसको गूंदना है हमें। ये ठंडा हो जाएगा तो डो की तरह ही हो जाएगा। अब ये बहुत गर्म है तो ये देखिए, अब ये हल्का गुनगुना हो चुका है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने। अब हाथों पर थोड़ा घी लगा लेंगे और हाथों की हेल्प से इसको हम गूंद लेंगे, जैसे हम आटे को गूंदते हैं उस तरीके से। ये अभी भी थोड़ा गुनगुना है इसलिए हल्का हल्का चिपक रहा है, बट जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए, ये अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब ये मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं दोनों तरफ से। और इसमें जो ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये कोई कचरा वगैरह नहीं है, ये जो काजू में छिलके होते हैं ना, कोई कोई काजू में थोड़े थोड़े से छिलके रह जाते हैं, तो वो पीसने में आ गया है, इस वजह से वो आपको दिख रहा होगा। तो आप कोई भी ट्रे, कोई भी स्टील की थाली ले लें जिस पर आप काजू कतली को बनाने वाले हैं, उसको घी से पहले ग्रीस कर लें। अब ये काजू कतली जो मिठाई का हमने मिक्सचर बनाया है, इसको रख देंगे इस पर, हाथों से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब जो बटर पेपर हमने ग्रीस किया था घी से, उसे इसके ऊपर रख देंगे और इसको रोल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको हमें रोल कर लेना है, जितनी मोटी या जितनी पतली आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना, ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं लगती है। और आप बेलन पर घी लगा सकते हैं, घी लगाकर डायरेक्ट भी इसको इस तरीके से बेल सकते हैं। आप चांदी का वर्क इस पर लगा देंगे ताकि दिखने में और मार्केट जैसा लगे और खूबसूरत सा लगे। तो इसी तरीके से सारी मिठाई पर हम चांदी के वर्क को लगा देंगे। अब हम इसको सेट होने देंगे, थोड़ा सा सेट हो जाए ये, फैन के नीचे इसको रख देना है, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए अब ये सेट हो चुकी है काजू कतली हमारी। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आपको जैसे पीस पसंद है चौकोन, वैसे भी आप कट कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। नाइफ आपकी बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए, तो ये अच्छे से शेप में कट होंगी। तो ये साइड से शेप देने के लिए थोड़ा सा पहले हम इसको कट कर लेते हैं ताकि अच्छी सी शेप आ जाए। जैसे मार्केट में मिलती है काजू कतली, वही शेप में इसको दे रही हूँ। तो ये देखिए एक मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी हमारी काजू कतली बनकर रेडी हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें इसी तरीके से बनाकर, और सारे हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। सारे कट होकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी इतनी है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।